बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फरकान पंचवानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुछ टाइम पहले मैंने एक एयरलिफ्ट के हवाले से एक वीडियो बनाई थी और वहाँ पे मुझसे कुछ सवाल पूछे गए हैं, उनको मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। एक सवाल जो है बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा गया है कि आप जो है पेमेंट किस तरीके से कर सकते हैं ऑनलाइन, क्योंकि जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उस वक्त जो कैश पेमेंट का ऑप्शन था वो उस वक्त अवेलेबल था, बाद में उन्होंने इसको गायब कर दिया। अब जो है आप खाली वॉलेट को रिचार्ज करवा सकते हैं और जो भी आप राइड लेंगे आपकी जो रिडक्शन होगी वो आपके वॉलेट से होती रहेगी। लेकिन आई मस्ट से कि ये ऑप्शन जो है बहुत से लोगों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कैश वाले ज़्यादा लोग हैं। क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं जो इससे बहुत खुश होंगे, क्योंकि आपको कैश ऑब्वियसली कैरी नहीं करना पड़ता, तो हर वक्त की आपकी जो टेंशन होती दिमाग पर वो आपकी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं या तो वो ऑनलाइन पेमेंट करना नहीं जानते या तो थोड़े हेजिटेट हो रहे होते हैं ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक अच्छा ऑप्शन ऐड करा है, वो है ईज़ीपैसा का। ईज़ीपैसा का जो प्रोसीजर है वो मच क्विकर है बैंक अकाउंट के अगर हम कंपैरेटिवली बात करें, और इसमें ज़्यादा आपको टेंशन भी नहीं होती, क्योंकि आप 500 हज़ार रुपये आपको जितनी नीड है आप उसमें डिपॉजिट करवा लें और कोई भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपको सिर्फ NIC चाहिए और आपका अपना फ़ोन नंबर चाहिए, और जब आप इसमें डिपॉजिट करवाने जाएंगे फर्स्ट टाइम तो हो सकता है आपसे वो बायोमेट्रिक लें, तो जगह जगह आपके पता है कि ऐसे पैसे वाले बैठे हुए होते हैं, आप जो है वहाँ से भी बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। यहाँ अगर लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप वहाँ से साइनअप करते हैं तो आपको एडिशनल 100 रुपये मिल जाएंगे और 50 रुपये जो है आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने के मिल जाएंगे। तो ईज़ीपैसा का पेमेंट जो है यहाँ सबसे ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि बैंक अकाउंट अगर आपका नहीं है तो बैंक अकाउंट के लिए तो एक प्रॉपर प्रोसीजर रिक्वायर्ड होता है, आपको एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू जो है गुजरना पड़ता है, और देन इसमें डिपॉजिट वगैरह करने के भी काफ़ी ज़्यादा चक्कर होते हैं। तो ईज़ीपैसा का ऑप्शन अच्छा है, आप इसको ज़्यादा यूज़ करिएगा, ये आपको रिकमेंड करूँगा। सेकेंड, यहाँ पे जो है पहले उन्होंने अपडेट यहाँ पे जो करी है, पहले आप जो है खाली एक अकाउंट से एक ही पैसेंजर जो है राइड ले सकता था, अब जो है अब एट अ टाइम जो है 3 सीट जो हैं आप अपनी बुक करवा सकते हैं, 3 लोग जो हैं एक ही अकाउंट से एट अ टाइम जो है ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोमो कोड के भी हवाले से बात कर लेंगे, उस वक्त जब मैंने वीडियो बनाई थी उस वक्त जो प्रोमो कोड का जो ऑप्शन था वो उस वक्त अवेलेबल नहीं था कि आप प्रोमो कोड जो है किससे के अप्लाई कर सकते हैं, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हम एयरलिफ्ट के चार्जेस के हवाले से भी बात कर लेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो है काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है ये ऑनलाइन सर्विस वगैरह में, तो उस पर भी हम बात कर लेंगे कि कब आपको कितने चार्जेस जो हैं देने पड़ेंगे जब अगर आप एयरलिफ्ट यूज़ करते हैं। तो चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ और हर चीज़ को डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन का आइकन दिख रहा होगा, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे चौथा ऑप्शन होगा वॉलेट का, आपको वॉलेट पे क्लिक करना है। इसके बाद जो आप नीचे देख सकते होंगे ऊपर आपका बैलेंस शो हो रहा होगा कि आपके वॉलेट में कितनी अमाउंट अभी मौजूद है, और उसके नीचे लिखा हुआ है बाय पैकेज, और आप इसके थ्रू जो है अपने वॉलेट को रिचार्ज करवा सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी आप पैकेज को ख़रीदेंगे तो आपको जो वॉलेट है वो जो अमाउंट है जितने का पैकेज होगा उतनी अमाउंट जो है आपके वॉलेट में आ जाएगी। तो सबसे पहले वाले हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, और ये जो ALC लिखा हुआ है इसका मतलब है एयरलिफ्ट क्रेडिट, तो इसे आप कन्फ्यूज़ ना होइएगा। और यहाँ पे 3 पेमेंट मेथड आ गए, पहला है क्रेडिट डेबिट कार्ड, सेकंड है ईज़ीपैसा, और थर्ड है डायरेक्ट डिपॉजिट बैंक ट्रांसफ़र। तो सबसे ज़्यादा रिकमेंड तो जैसे मैंने आपको बोला था मैं ईज़ीपैसा को करूँगा, उसके बाद क्रेडिट और डेबिट कार्ड को, और आखिर में मैं रिकमेंड करूँगा डायरेक्ट डिपॉजिट यानी बैंक ट्रांसफ़र को। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको थोड़ा सा लोडिंग में टाइम ले रहा है, सॉरी। सबसे पहले आपको ऊपर कार्ड नंबर यहाँ पर डाल देना है, और उसके बाद एक्सपायरी वगैरह आपको चेक कर लेनी है कि जो जो कार्ड की जो है वो अभी विद इन एक्सपायरी होना चाहिए। आपके एक्सपायरी आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है कि क्या एक्सपायरी है, और कार्ड होल्डर नेम, और उसके बाद जो है जो बैक पे जो 3 कोड्स होते हैं लास्ट वाले वो आपको यहाँ पे एंटर कर देने हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम पेमेंट कर रहे हैं और अगर आपको कोई इशू आ रहा है आप पेमेंट करने में, तो आप जो है बैंक के हेल्पलाइन पर कॉल करके आप जो है इसको कभी कभार जो है आपको वहाँ से ऑन करवाना पड़ता है, तो आप इसको देख लीजिएगा, सही है। अच्छा, और सबसे नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है पावर्ड बाय मास्टर कार्ड, MCB यहाँ पे इसका लोगो बना हुआ है। और तो एक सिस्टर ने मुझसे पूछा था क्या MCB ही के बैंक, अगर आपका अकाउंट MCB में है तो ही आप उनको पेमेंट कर सकते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली
जो इनका पेमेंट वाला ऑप्शन है ये उनका पावर्ड बाय एमसीबी है, तो उससे आप कन्फ्यूज़ ना होएगा। और तो वापस पीछे चलते हैं, इसके बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, इजी पैसा। इजी पैसा पे क्लिक करने के बाद इजी पैसा शॉप में जाके भी आप जो है पेमेंट कर सकते हैं, पहले वाला अकाउंट से आप जो है घर बैठे जो है पेमेंट कर सकते हैं। इजी पैसा मोबाइल अकाउंट पर आपको क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वो नंबर डालना है जिस पे आपको इजी पैसा का अकाउंट बना हुआ है, सही है, और यहाँ पे वो आईडी डाल देनी है जो आपने इजी पैसा के अकाउंट में दी हुई है। उसके बाद यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर देना है। जब आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो जिस मोबाइल पे आपका सिम होगी वो वाली नंबर की जो आपके इजी पैसा के अकाउंट में है, वहाँ पे एक पॉपअप होगा और वो आपसे पूछेगा जो पिन होती है, जैसे एटीएम्स वगैरह में होती है ना, वो पिन आप इजी पैसा का अकाउंट खोलते हैं तो आपको डालनी होती है। तो जैसे मैं पे नाउ पे क्लिक करूँगा तो आपके सामने एक पॉपअप होगा और वहाँ पे आपको 5 डिजिट की जो है पिन डालनी होगी। जैसे ही मैं 5 डिजिट की पिन डालूँगा यहाँ इजी पैसा के अकाउंट से जो है मनी डिडक्शन हो जाएगी। ये बेसिकली इसलिए होता है कि अगर आपका कोई सेकेंड पर्सन जो है यहाँ पर नंबर डाल के और पे नाउ करेगा तो आपके सामने पिन आएगी, पिन जो है आपके पास आएगी, उस बंदे के पास नहीं आएगी। तो ये सिक्योरिटी के रीज़न की वजह से होता है। तो यहाँ पे मैं पे नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। सही, आप जो है आपके सामने एक पॉपअप हुआ है और आपको वो यहाँ पे वो 5 डिजिट पिन डालनी है जो आपने इसी पैसे के अकाउंट में जो आपने पिन क्रिएट करी होगी, जिस तरीके से एटीएम होती है आपको वो वाली पिन यहाँ पे डाल देनी है और जो आपके इसी पैसे के अकाउंट से 250 जो है माइनस हो के आपके एयरलिफ्ट के क्रेडिट में आ जाएंगे। सही है, तो उसको मैं अभी फ़िलहाल कैंसिल कर देता हूँ। आपके सामने एक मैसेज आएगा कि जो ट्रांजेक्शन है फेल हो गई है, सक्सेसफुल हो गई है, आपके मैसेज में आ जाएगा। सही, हम पीछे चल लेते हैं और इजी पैसा शॉप को देख लेते हैं। फिर इजी पैसा शॉप में जाके अब वहाँ पर जो है उसके थ्रू भी जो है पेमेंट कर सकते हैं। जब यहाँ पर आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक टोकन नंबर दिया जाएगा और वो टोकन आपको पे करना है, और आप जो टोकन जो है टेलीनॉर के फ्रेंचाइज पे भी जाके पे कर सकते हैं, इजी पैसे के फ्रेंचाइज पे भी जाके पे कर सकते हैं, और इसके अलावा जो एजेंट्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, जो जिनकी दुकानें होती हैं, शॉप्स होती हैं जो इजी पैसा का काम करते हैं, वहाँ पे भी आप जाके उस टोकन को पे कर सकते हैं। और जब आप पे कर देंगे तो उसके बाद जो है आपका जो वॉलेट है वो रिचार्ज हो जाएगा। सही, और इस पर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे जो इसके थ्रू पेमेंट करने में, और ये जो आपको कोड जो रिसीव होगा वो SMS ईमेल के थ्रू आपको वो कोड रिसीव हो जाएगा। तो दोबारा से हम यहाँ पे पीछे आ गए हैं पैकेजेस पे और यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करते हैं और सबसे लास्ट ऑप्शन है डायरेक्ट डिपॉजिट और बैंक ट्रांसफ़र पे। और यहाँ पे आपको एक पहले नोट पढ़ लेना है कि 12 से 24 घंटे लगेंगे ट्रांजेक्शन होने में जब आप जो इसके थ्रू पेमेंट करेंगे, फ़ौरन से आपके वॉलेट में पैसे नहीं आ जाएंगे, क्योंकि इस वजह से काफ़ी लोग डर जाते हैं कि हमारे पैसे ज़ाया हो गए, क्योंकि मुझे कमेंट्स में बोला भी गया है कि हमने बैंक ट्रांसफ़र कराया लेकिन हमारा वॉलेट रिचार्ज नहीं हुआ। तो एक दिन का टाइम लग सकता है, आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। और यहाँ पे आपको डिपॉजिट स्लिप नंबर यहाँ पे आपको दे देनी है, जो डिपॉजिट स्लिप होती है जिसके थ्रू आप जो है अकाउंट में डिपॉजिट करवाएंगे एयरलिफ्ट वालों के, वो आपको इसको जो नंबर होगा स्लिप नंबर वो आपको यहाँ पे दे देना है, और यहाँ पे आपको अमाउंट लिख देनी है और उस स्लिप की पिक्चर खींच के आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है और सबमिट कर देना है। ये है कंप्लीट तरीका पेमेंट मेथड का। और जिस तरीके से आपको बोला था कि सीट्स की अपडेट हुई है, एक साथ जो है आप एक ही अकाउंट से 3 लोग जो है ट्रैवल कर सकते हैं। आपको उसी तरीके से जब आप राइड बुक करेंगे, मिसाल के तौर पे मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कोई भी यहाँ पे लोकेशन डाल देता हूँ, कन्फर्म ड्रॉप ऑफ कर देता हूँ, कोई भी मैंने एक टाइमिंग सेलेक्ट कर ली, सही है। और यहाँ पे जो इस एरिया पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आप जो है नंबर ऑफ़ सीट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर जो है आप 3 ऐड कर सकते हैं और उसी तरीके से आपके जो है चार्जेस वो ऐड होते रहेंगे, सही। और यहाँ पे आप बुक नाउ करें आपकी और राइड जो है यहाँ पे बुक हो जाएगी। और यहाँ पे आपके अगर कोई प्रोमो कोड जो है प्रोवाइड किया गया है एयरलिफ्ट वालों की तरफ से तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, सही। और जो इनके चार्जेस हैं वो 60 रुपीज़ के हिसाब से यहाँ पे लगें, लेकिन जब पीक आवर्स होगा तो ये 60 रुपीज़ हैं वो 90 रुपीज़ बन जाएंगे, तो इसकी वजह से आप परेशान होएगा। तो पीक आवर्स के लिए जो इनके चार्जेस हैं वो 90 रुपीज़ हैं और वैसे नॉर्मल जो आप राइड लेंगे वो 60 रुपीज़ की है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
और अगर आपकी इसके अलावा भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कमेंट्स के थ्रू भी। और अगर मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए इसमें वीडियो भी बना दूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।